23 अगस्त को दुमका में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना घटी। एक मनचले युवक ने या हैवान युवक ने हम कहें तो एक लड़की को जिंदा जला दिया। इस घटना में शामिल दो युवक फिलहाल पुलिस के गिरफ्त में हैं, जेल चले गए हैं। अब जो सभी ओर से एक मांग आ रही है कि उसे फांसी की सजा हो, उससे कम नहीं। चाहे जो आए सांसद निशिकांत दुबे आए, उन्होंने भी कहा इस मामले में फांसी की जांच हो। कांग्रेस की नेत्री आई गीता कोरे, उन्होंने भी कहा कि फांसी से कम इसमें कबूल नहीं है। शहर के लोग सभी फांसी की ही मांग कर रहे हैं। मामला न्यायालय में है और इसलिए हम कानून के जानकार दुमका के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपेश्वर झा जी के बारे में हैं। इस मामले में क्या क्या हो सकता है, हम इनसे बात करेंगे। ये जो मामला आया है दुमका में, इसमें त्वरित कार्रवाई की बात हो रही है, फांसी की बात हो रही है, क्या इस तरह के मामले में क्या क्या संभावनाएं हैं? देखिए, ऐसा है कि जो लोग मांग कर रहे हैं कि फांसी सजा हो, तो ऐसे सब कानून के लिए फांसी सजा होती है, लेकिन जो फांसी होगा या आजीवन कारावास होगा या क्या होगा, तो पूरा ट्रायल होने के बाद आपको पता चलेगा कि समूचे केस में जो गवाह हो जाएगा, कोर्ट जो त्वरित कार्रवाई करके सुनवाई करेगी, उसमें फाइनली कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसको फांसी देना है कि नहीं देना है। लेकिन ऐसे सब केसेस में होना चाहिए। अब जहाँ तक सवाल है कि लोग मांग कर रहे हैं, तो हम इससे कोई मतलब हमको नहीं है। हम ये जान रहे हैं कि क्या एक्चुअल फैक्चुअल कंडीशन है, क्या स्थिति यह है जो हम न्यूज़ में देख रहे हैं और जो व्हाट्सएप में जो चल रहा है न्यूज़, उसमें हम देखते हैं कि उस लड़की का बयान हुआ है मरने के पूर्व, जिसको कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। तो अगर उसको डाइंग डिक्लेरेशन सही ढंग से मान लिया जाता है, तो वैसे स्थिति में उसने जिसने भी उसके साथ ये घटना करी है, उसका नाम लिया है उसने, किस तरह क्या है उसकी घटना, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द आई ऑफ लॉ। उसको कानून में बहुत मान्यता है और उस आधार पर यह सिद्ध होता है कि उस लड़की को जला के मारने की कोशिश की गई, जो बाद में सब्सिक्वेंटली इतना बर्न था और उसका ठीक से इलाज नहीं हो पाया। हमको लगता है क्या कि जिस तरह की उसको दिल्ली ले जाना चाहिए था, लेकिन कोई भी संवेदनहीनता की तरह सबने काम किया, उसको छोड़ दिया, और वो गरीब घर की लड़की थी और उसके पीछे आदमी नहीं था। ये तो जब न्यूज़ में पूरा चला है, तब उसके बाद इतने लोग यहाँ आने लग गए और सब आदमी ने देखा। लेकिन फैक्ट तो है कि मानवता के इससे खराब और क्या हो सकता है कि कोई भी एक आदमी, अगर कोई लड़की उसको नहीं चाहती है, वो लेकिन प्रेशराइज करके उसको कहे कि नहीं तुमको चाहो, और उसके बाद अगर वो मना करती है तो उसको जला के मार देगा। क्वेश्चन ये नहीं है कि घटना क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक लड़की को जला के मारा गया, इन्वेस्टिगेशन उस पर होना है और इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ का केस भी है जिसमें कि एसपी साहब को, पाकुड़ के एसपी को जो मारा गया था, उसको रात तक में मतलब 7-8 बजे तक कोर्ट बैठ करके और उसके बाद ट्रायल करके उस दो आदमी को फांसी की सजा उन्होंने सुनाई थी। तो उसी तरह की कार्रवाई इसमें भी होनी चाहिए। जितनी जल्दी हो न्याय हो जाए तो फिर रेस्ट में चला जाएगा सब कोई। अभी तो ये सब तरह का चलता रहेगा, जुलूस और हंगामा सब चीज़, बिकॉज ऑफ दी ऑब्वियस रीजन्स, क्या कि एक लड़की को मार के जला के मार दिया गया, तो वो ट्रायल होना चाहिए। और हम समझते हैं कि उसमें सही ढंग से ट्रायल हो। पुलिस इन्वेस्टिगेशन को चाहिए कि जितने भी गवाह हैं, सब गवाह को ठीक ढंग से कलेक्ट करके, पूरा एविडेंस कलेक्ट करके, समूचा एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस करें और उसके बाद वो फास्ट ट्रैक की तरह ट्रायल करके इसमें जल्दी जल्दी इसका न्याय मिले। लोग तो गुस्से में हैं, और समझिए कि हम ये भी समझते हैं कि दुमका ही ऐसा जगह है जहाँ फर्स्ट टाइम इस तरह की बात हुई थी, जबकि कुछ दूसरे तरह की हवा शुरू हो गई थी। लेकिन दुमका के लोग इतने शांत हैं कि उस हद तक नहीं गए। लेकिन तो कहीं और भी अगर होता तो आप सोच लीजिए, हम जानते हैं कि दूसरे जगह होता है तो कितनी बड़ी बात हो जाती। वहाँ दूसरे एक्यूज्ड को आराम से एक गाड़ी में बैठा करके कोर्ट लाया गया, उसको पैदल लेकर के गया, उसका मुंह खुला हुआ था। तब CGM ने कहा कि साहब उसका मुंह ढकिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए आप लोग खाली घूमते हैं। तो दीज आर दी सिचुएशंस की अगर होता तो दूसरे जगह तो दूसरी तरह घटना हो जाती। लेकिन वो तो आराम से गया, फिर गाड़ी बैठ कर उसको जेल ले गया जो दूसरा एक्यूज पकड़ाया था। पहले वाले एक्यूज को भी आराम से जल्दी से जेल में डाल दिया गया, नहीं तो यहाँ तो दूसरे तरह का विद्रोह हो जा सकता था। इसके पीछे केवल कारण ये है कि वो गरीब घर की लड़की थी, और वो लड़का भी मालूम नहीं हमको क्या करता था। सुनते हैं कि टाइल्स वगैरह बिछाने का काम करता था, ऐसा ही कुछ था। आई हैव बीन टोल्ड कि यहाँ का है भी नहीं, वो अपने के रिलेशन के यहाँ रह करके अपना धंधा पानी करता था।
तो बहुत एग्रावेट नहीं हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन ने सही स्टेप लेकर के शुरू में रोका है और हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इसका फैसला हो जाए और कोर्ट न्याय करेगा जो एविडेंस है उसके आधार पर। इसलिए उसमें अगर यह सिद्ध होता है कि उसकी हत्या की गई तो उसमें दो ही सजा है, या तो आजीवन कारावास या फिर फांसी। अब ये रेयरेस्ट केसेस में आएगा तभी उस केस में उसको फांसी की सजा होगी, लेकिन जो घटना है जिस तरह से ये हुआ है उसमें फांसी की सजा होनी चाहिए, हमको लगता है ऐसा होना चाहिए और आई एम श्योर कि कोर्ट ऐसा विचार करेगा। दुमका में एक इससे पूर्व भी मामला आया था जिसमें त्वरित कार्रवाई का एक रिकॉर्ड बना था, 24 दिन के अंदर डिसीजन हुआ था, फांसी की सजा हुई थी, चाचा ने भतीजी का अरेस्ट किया था और हत्या हुआ था उसमें, चार्जशीट दाखिल होने के हमको लगता कि 6-7 दिन के अंदर ही फैसला आ गया था। असल में बात है क्या कि कोर्ट का सिस्टम है, कोर्ट में क्या होता है कि जब पहले तो FIR आता है, कोर्ट में दर्ज होता है, पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट करती है, इन्वेस्टिगेट करके पुलिस चार्जशीट देती है, चार्जशीट आ जाने के बाद तब वो कोर्ट में दाखिल होता है और चार्जशीट आने के बाद तब ट्रायल स्टार्ट होता है, क्योंकि उसमें कौन कौन गवाही हैं उस सभी गवाही को समन किया जाता है, नोटिस किया जाता है। अब इसमें तो सबसे पहला काम ये पुलिस का है कि वो पहले चार्जशीट सबमिट करे पूरे एविडेंस के साथ, जितनी अच्छी तरह से इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो सके उसको देख एक एक बिंदु पर जांच करके उसको सही ढंग से पुलिस को, हर एक गवाह को जो एविडेंसेस है। अब बताइए कि अभी उनको पता चला है, देख रहे हैं न्यूज़ में कि वो लड़की जिस कमरे में जली, जहाँ जलाया गया उसको, वो कमरे को लॉक भी पुलिस ने नहीं किया। अब बाद में उसके घर वाले सब, चूँकि वहाँ चमड़ा उमड़ा गिर गया था, क्या हुआ था बताते हैं लोग कि महकने लगा था, तो उसको जल्दी से साफ कर दिया गया। तो कितना बड़ा गलती है ये, तो इन्वेस्टिगेशन जो स्टार्ट हुआ वो सही ढंग से नहीं हुआ, उसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था कि देन एंड देयर जैसे FIR हुआ, जैसे जानकारी भी तो आके तो रूम को लॉक करना था और रूम लॉक नहीं हुआ, या वहाँ जो उस समय जो सामान था उस सामान को कलेक्ट करके एविडेंस के रूप में रखना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि पुलिस इसमें पूरी तरह सिंसियरली और ईमानदारी के साथ इसमें इन्वेस्टिगेशन करें और जितना भी एविडेंस है, चाहे मटेरियल एविडेंस है या फिर गवाह जो है, वो उन लोगों को ठीक से जांच करे और सही ढंग से चार्जशीट सबमिट करे। चार्जशीट वगैरह सबमिट करने में और मटेरियल और एविडेंस कलेक्ट करने में अगर पुलिस की तरफ से किसी तरह की कोताही हो गई तो केस में कोर्ट को जबरदस्ती, कोर्ट सेंटीमेंट्स पे तो जजमेंट करता नहीं है, वो जो गवाही चलेगी उस आधार पर, गवाह के आधार पर जितना मटेरियल है उसके आधार पर कोर्ट अपना फैसला करता है। तो आप जो त्वरित कार्रवाई करके कहते हैं कि केस में कुछ घंटों में ही केवल इसका फैसला कर दिया गया, उसमें ऐसा मटेरियल था, उसमें ऐसा एविडेंस पुलिस ने कलेक्ट किया था, अब देखना है कि इस केस में पुलिस कैसा एविडेंस कलेक्ट करती है और उस आधार पर ही केस का ट्रायल चलेगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट अभी इस इशू पर है कि जितना इतना हल्ला वल्ला हो रहा है उसमें पुलिस पर दबाव पड़े कि तुम इन्वेस्टिगेशन ठीक से करो, समूचा जो मटेरियल्स है उस मटेरियल्स को तुम कलेक्ट करो ताकि कोर्ट को सहूलियत हो जजमेंट देने में। फैसला करने के समय कोर्ट जो मटेरियल अवेलेबल होता है, जो गवाह होता है, जो विटनेस होता है, जो अदर जो कलेक्टेड एविडेंस वगैरह होता है उसी के आधार पर वो फैसला करती है। तो वो फैसला कोर्ट सही से कर सके तो जब तक आप पुलिस मदद नहीं करेगी तब तक तो कोर्ट फैसला उस तरह नहीं कर सकता, या जो डिमांड है कि उसको फांसी हो वो नहीं हो सकता। इसलिए पुलिस पर समूचा दायित्व है कि वो सही ढंग से इंक्वायरी करे और चार्जशीट पूरी तरह समूचा मटेरियल कलेक्ट करके चार्जशीट सबमिट करे। एक आखिरी सवाल है, एक बहस सोशल मीडिया में या शहर में छिड़ा हुआ कि ये एक तरफा प्यार नहीं था, दो तरफा प्यार था। अगर दो तरफा प्यार भी हो तो क्या इस तरह की घटना में सजा बदल जाता है? तरफा प्यार हो कि दो तरफा प्यार हो, पत्नी हो उसको जला के मार देने का हस्बैंड को है अधिकार? वो तो वाइफ है साहब, अरे तो एक तरफा प्यार की बात करता है, एक तरफा प्यार था या दो तरफा प्यार था, लेकिन जलाने का अधिकार कैसे मिल गया उसको कि तुम जिंदा जला दोगे? हस्बैंड तो साथ में सोता है, साथ में रहता है, शादी करके लाता, उसके बावजूद जला देता है ना, तो क्या हस्बैंड ने इसलिए उसको अधिकार हो गया कि जला देगा? ये तो कोई लॉजिक नहीं है। ऐसा ऐसा जो स्टेटमेंट आ रहा है या कह रहा है इसका कोई मायने नहीं रखता। ये मनुष्यता के खिलाफ संवेदनहीन आदमी ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है? जी निश्चित रूप से इस तरह की बात जो करते हैं वो मानवता के खिलाफ बात करते हैं। और हम अभी बात कर रहे थे दुमका के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपेश्वर झा जी से, इन्होंने स्पष्ट कहा कि पुलिस इस मामले को कोर्ट में किस तरह से पेश करती है उस पर आने वाला जो डिसीजन होगा कोर्ट का वो निर्भर करता है। कितना जल्दी फैसला आएगा ये उसी बात पर निर्भर करेगा कि एविडेंस और इसका अनुसंधान पुलिस किस तरह से करती है।
लगातार लाइव के लिए दुमका से रूपम किशोर सिंह।